जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ मैं भागवत गीता का 18वें अध्याय का टेक्स्ट 47 शेयर करना चाहूँगा। तो श्लोक कुछ ऐसे है, इट इज़ बेटर टू एंगेज इन वन ओन ऑक्यूपेशन इवन दो वन मे परफॉर्म इट इम्परफेक्टली देन टू एक्सेप्ट अनदर्स ऑक्यूपेशन एंड परफॉर्म इट परफेक्टली। ड्यूटीज प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू वंस नेचर आर नेवर अफेक्टेड बाय सिनफुल रिएक्शंस। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण इसमें हमें ये समझा रहे हैं कि अगर हम अपने नेचर के हिसाब से जो हमारी अपनी ड्यूटीज हैं उसको फोकस से ध्यान से करें, चाहे उसमें करते करते गलतियां भी हो जाएं, दैट इज स्टिल बेटर देन कि हम किसी और के ऑक्यूपेशन में या किसी और के डिपार्टमेंट में या किसी और के काम करने के तरीके में दखल अंदाजी करके वो काम को अच्छी तरह से करने के चक्कर में पड़ जाएं। अब देखिए कि वर्ल्ड में जो टेंशन्स हो जाती हैं रिलेशंस के बीच में, उसका कारण यही होता है। वर्क प्लेस में जो टेंशन्स होती है उसका कारण क्या होता है कि हर इंसान दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है, थिंकिंग कि भाई वो काम वो गलत कर रहा है, मैं उसको बताता हूँ कैसे करना है, या फिर अपना फोकस लूज कर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब ऑक्यूपेशन की बात हो रही है तो भगवान हमें बेसिकली हमारे जो तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से हमारा एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है, जिसको इंग्लिश में हम एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो यहाँ ऑक्यूपेशन को हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए कि लॉयर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो प्रोफेशन चूज़ किया होता है वो या तो फैमिली के दबाव में किया होता है या बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के हिसाब से किया होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उनका एप्टीट्यूड होता है। अब भगवान ये बता रहे हैं कि जो अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से हम अपने नेचर को समझते हुए काम करते हैं उसमें पाप नहीं होता। कैसे? क्योंकि जब किसी का नेचर है जो उसके हिसाब से वो अपने कर्मों को करेगा तो वो अपना फोकस भी दे पाएगा, अपना बेस्ट भी दे पाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो काम है वो अच्छी तरह से होगा और उसे उसकी इंटेंशन भी ठीक रहेगी। वेयरएज अगर किसी कर्म में बेसिकली फोकस नहीं जा रहा है, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, तो उसका काम करने के तरीके में भी गड़बड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे पहली लर्निंग हमें ये लेनी चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों को उनके एप्टीट्यूड को समझते हुए, उनके नेचर को समझते हुए उनको प्रोफेशनल चॉइसेस देनी चाहिए। उसकी तरह से हमें उनको करियर काउंसलिंग भी मिलनी चाहिए ताकि वो राइट डिसीजन ले सकें और डिससेटिस्फेक्शन से बचें। आज की डेट में जो डिससेटिस्फेक्शन है वर्ल्ड में उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग जो काम कर रहे हैं वो उनकी एप्टीट्यूड से मैच नहीं करता, राइट। जैसे किसी के अंदर टीचिंग एबिलिटी है लेकिन वो आर्मी में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको लड़ने में या फाइटिंग में या उस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है बिकॉज उसका वो नेचर नहीं है, तो इससे डिससेटिस्फेक्शन आती है। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करना चाहिए ताकि वो एप्टीट्यूड के हिसाब से अपना काम करें, तभी वो ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन को और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और जिस भी काम में वो होंगे वो दूसरों के लिए भी कल्याण कर पाएंगे। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलें भाई हम तो अब 50s में हो गए, 40s में हो गए, 60s में हो गए, तो हम तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो हम क्या करें। कोई बात नहीं, हम जिस भी स्ट्रीम में अब हैं हम अपना बेस्ट दें। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि गलतियाँ तो होती रहेंगी, ज़्यादा परेशान नहीं होना है उससे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भाई हमसे गलतियाँ हो गई हैं तो हम कर्म क्यों करें। इवन गॉड अंडरस्टैंड्स कि गलतियाँ तो होंगी ही हमसे बिकॉज वी आर अल्टीमेटली फॉलिबल, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमारा ये फोकस होना चाहिए कि गलतियों से हम कुछ सीखें और अपना बेस्ट करने की कोशिश करें सेवा के भाव में। और सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ आर वर्क प्लेस हम कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क में, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड वाले का कर्म में अपने एप्टीट्यूड को समझते हुए, किसी को राइटिंग अच्छी लगती है तो आप कुछ आर्टिकल लिखना शुरू कर दो, यू नो, अवेयरनेस आर्टिकल्स, सोशल अवेयरनेस आर्टिकल्स, स्पिरिचुअल आर्टिकल्स, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है तो आप कुछ गाना शुरू कर दो। सो डेवलप अ हॉबी जो आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से मैच करेगी, तो उस तरह से क्या होगा कि आप करियर में अपना
बस कर रहे हो लेकिन आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही, तो कोई बात नहीं, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई हॉबी डेवलप कर ली है जो आपके एप्टीट्यूड से मैच करती है, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और आप किसी न किसी तरह से सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हो, विच विल अल्टीमेटली गिव यू मोर हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा।